फर्स्ट गाना आज इनका लॉन्च हो रहा है, तो मेरी शुभकामना इनके साथ है कि गाना अच्छा चले, ये भी अपने नाम पहचान बनाए म्यूजिक इंडस्ट्री। कैसी बॉन्डिंग रही है गुरु के साथ और आप यहाँ पे सपोर्ट करने भी आए हैं गुरु को? गुरु को मैं पिछले ज़्यादा टाइम से नहीं जानता, पिछले 2-3 महीने से ही जानता हूँ, और 2-3 महीने में जो भी हमारी बॉन्डिंग रही अच्छी रही, इन्होंने मेरे को इस म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बताया, और तभी मैंने अपना बैनर लॉन्च कर रहा हूँ, और उसमें गुरु और दूसरे और भी नए सिंगर्स को मौका देंगे जो यंग टैलेंट आ रहा है। मैम आप बताइए कितने एक्साइटेड है गाना सुनने के लिए और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाना सुनने के लिए, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, तो देखते हैं कैसा है। ऑल्सो क्या कहना चाहेंगे, आपने आई होप आपने गाना देखा होगा, थोड़ा सा बताइए कि कैसा होने वाला है ये गाना हमारी ऑडियंस को? गाना बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, इसका ऑडियो भी देखा है मैंने और वीडियो भी देखा, दोनों देखा है, बहुत अच्छा गाना है। गुरु जैसे गाने की तो तारीफ हो ही रही है, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप हमारी ऑडियंस? अपकमिंग एक्चुअली मैं एक नया ट्रेंड लेके आ रहा हूँ जो शायद ही किसी ने लाया, मैं हर महीने की 21 तारीख को एक गाना रिलीज करूँगा। तो इट्स गोना बी यूजुअली कोई भी सिंगर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीनों का गैप डालता है, लेकिन मैं नहीं कर रहे, हम मिलके हर 21 तारीख को एक गाना रिलीज़ करने वाले हैं। आगे के 3 प्रोजेक्ट्स में शूट करके आ गया हूँ और आगे के 3 एक बैक एंड के लिए रेडी रखने हैं, हम अगले महीने शूट करने जा रहे हैं। सो ऑल टुगेदर हर महीने हम लोग खुद का एक लेबल पे, दैट इज़ अर्बन म्यूजिक रिकॉर्ड्स, सो विल बी रिलीजिंग ऑन दैट। सो वो हर महीने की 21 तारीख को ऑडियंस को एक नया गाना मिलेगा, अ बिग वीडियो, अ बिग कोलैब, अ बिग ऑडियो एंड कंटेंट कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं लाया मार्केट। ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ कोलैबोरेशन होने वाला है इन फ्यूचर? फॉर नाउ मेरा जो म्यूजिक डायरेक्टर है ही शोकेट, जिन्होंने प्रिंस नरूला और सुयश राय के साथ में काम किया, सो शोकेट इज़ द वन हु इज़ डूइंग इट। एंड फ्यूचर कोलैब है मेरे स्टार बॉय LOC के साथ में, जिन्होंने दिल्ली से उमेश चौधरी गाया, और भी मेरे बहुत सारे कोलैब्स हैं, सो विल बी डूइंग द कोलैबोरेशंस विद हिम। एंड है प्लान्स और कई सारे, मैं नेम रिवील नहीं कर सकता, बड़े कोलैब्स भी हैं, सो दैट आई येट टू बी रिवील्ड। सो अगले जो 3 गाने मैं करके आ चुका हूँ वो शूट हो चुके हैं, सो आफ्टर दिस मतलब कमिंग 21st मार्च आई विल गिव वन मोर सॉन्ग अ ह्यूज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ और मतलब म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं फिटनेस में भी हूँ ना, तो मेरा जिम भी बिना म्यूज़िक के होता ही नहीं है, मतलब मैं कर ही नहीं सकता। और उसके बाद में सबसे बड़ा मैं फ़ैन वैसे भी पंजाबी म्यूज़िक, अर्बन म्यूज़िक, उसका मैं और भी बड़ा फ़ैन हूँ। और आज जैसे कि गुरु पाजी का गाना कल आ रहा है और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स पाजी, थैंक यू वेरी मच। और पहला गाना आ रहा है और साथ में करिश्मा है, तो 4 चांद लग गए हैं फिर तो गाने में बिल्कुल ही। और गाना मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पहला गाना है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग बहुत ढेर सारा प्यार दें और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाजी आप कितना एक्साइटेड हो? कुछ ओवर ही ज़्यादा की मतलब मेरी बोलती बंद हो चुकी है, इतना ज़्यादा हूँ मैं। पाजी लग रहा है ना, मतलब होता है ना एक टाइम आता है इतना एक्साइट हो जाता है ना बंदा, फिर इंसान रुक जाता है, आप क्या ही बोलूं, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है बस। जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू है, जिसके लिए इतनी मेहनत की है वो आज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं समझ सकता हूँ वो ना फीलिंग होती है ना जिस दिन इंसान मेहनत करता है एक चीज़ के लिए और वो फाइनली जब मिल जाती है, तो बिल्कुल जितना आप खुश हो उतना ही मैं खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू। गाने का नाम जो है लॉन्ग डिस्टेंस है, कितना बिलीव करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? देखो वैसे तो मैं 6 साल से रिलेशनशिप में ही नहीं रहा, मतलब मैं जिंदगी में कोई रिलेशनशिप में रहा ही नहीं हूँ वैसे तो, मगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो मैं सोचता हूँ कि जो प्यार होता है ना, वो चाहे बिल्कुल साथ में रहे इंसान या फिर कहीं दूर रहे, प्यार प्यार से मिल ही जाता है, और चाहे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो वो कम हो ही जाता है। कशिश, तो आपका कोई प्लान है फ्यूचर में गुरु पाजी के साथ कोई कोलैबोरेशन का या फिर कोई म्यूजिक वीडियो में कोलैब करने? ये तो इनका प्लान हो रहा है, जरूर करेंगे, क्यों नहीं, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे 101% जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि हर 21st को एक गाना देने वाला हूँ मैं, तो हर 21 तारीख को करेंगे कोलैब्स, तो मैंने आपको बोला ही कि बहुत सारे करने वाला हूँ, करेंगे। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी एक रियलिटी शो होस्ट किया है, इसका नाम एक्सट्रीम सर्वाइवर्स, वो आने वाला है। फिर मैंने एक बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ में एंड तुषार कपूर के साथ में एक मूवी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर करी है, तो वो आने वाली है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं और आगे भी बहुत लाइंड अप है। कलर्स पे एक नया शो आ रहा है, आपने देखा होगा उसका प्रोमो पारस है उसमें, हाँ, व्हाट इज योर रिएक्शन?
ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है वैसे मेरे लिए, बट मतलब मैंने इस साल बिग बॉस इतना फॉलो नहीं करा, बट हाँ मैंने देखा सिद्धार्थ शुक्ला जीते हैं और काफ़ी अच्छा गेम खेला उन्होंने और अच्छा लगा उनका गेम देखकर। बाकी पारस के बारे में मैं इतना ज़्यादा उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो जो पब्लिक से सुना है, जो औरों ने सुना है वही है, तो मैं कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन देना नहीं चाहूँगा इस चीज़ पर। थैंक यू सो मच। CK, what new they have got, and all the very best to him. It's his first release, so very excited for the launch. Music ki kitni badi fan hai aap? Music, kis tarah ka music sunna pasand karte hai? I like Punjabi music वैसे तो, but I prefer hip hop sometimes. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे? कहा जाता है कि जो भी गाने के साथ अपना नाम जुड़ता है वो प्रोजेक्ट सुपर हिट हो जाता है, क्या क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या खास बात होती है जो भी गाने के साथ आप सोचते हैं? खास बात कुछ नहीं होती सर, बस दिल से काम करते हैं हम हमेशा, जब से काम शुरू किया हमेशा दिल से ही एंड विद प्योर हार्ट प्योर सोल काम करते हैं, बाकी बाबा जी ऊपर हिट बना देते हैं गाने के साथ से। आपने जो है मिलिंद के साथ भी काम किया और बहुत सारे गाने किए, गुरु भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गुरु तो इज़ लाइक माई ब्रदर एंड उसके साथ तो भाइयों वाली बात है, बाहर अगर हम काम करते हैं कहीं प्रोफेशनली डील करते हैं, बट गुरु के साथ इज़ लाइक इज अ ब्रदर टू मी एंड बहुत टाइम से हमारा पेंडिंग था गाना करना एंड आई एम रियली हैप्पी कि अब फाइनली छा गया। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्किंग विद शोकिड? एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया शोकिड और मेरा रिश्ता बहुत पहले से है, सो सोच के रखा था कि जब गाना करना है तो शोकिड के साथ ही करना है, सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड भाई ने कंटेंट भी कुछ ऐसा दे दिया कि इट वॉज लाइक कि करना ही करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया आने के तीन गाने भी शोकिड के साथ में ही हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस वाज टू गुड। मतलब पहले डिसाइड किया था कि यही गाने के साथ गुरु भाई का डेब्यू होगा? डेढ़ साल पहले गाना डिसाइड कर लिया था। डेढ़ साल की दो साल दो डेढ़ दो साल डेढ़ दो साल हो चुके हैं, गाना वैसे को पसंद था पहले से, हमने बना के रखा हुआ था, वो मौका नहीं लग रहा था शूट करने का, अब शूट हुआ है, अब आ रहा है गाना, तो पहले से डिसाइडेड था कि हाँ दिस गाना दिस सॉन्ग इज गोना बी योर डेब्यू। अभी तो इसके नेक्स्ट अपकमिंग चार गाने तो मैंने ही बनाए हैं, आगे भी इसको कहीं जाने नहीं देना, मैं ही बनाऊंगा सारे गाने। फॉर श्योर वी वुड लव टू हैव हर इन अ वीडियो, आई वुड लव टू, मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ बिग बॉस तो मैं देखता ही हूँ सारे एपिसोड, आई वुड लव टू हैव हर इन कोई भी वीडियो हम करेंगे फ्यूचर में फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। He has produced the song Long Distance जिसका आज लॉन्च हो रहा है, ये है रंजीत नायर द को प्रोड्यूसर एंड जिन्होंने मेरे को पुश किया इस प्रोजेक्ट के लिए। जैसा कि आपने शोकिड के मुंह से सुनी लिया कि गाना डेढ़ दो साल पहले बना दिया था लेकिन हम कर नहीं रहे थे, सो ये हैं जिन्होंने पुश किया इस प्रोजेक्ट के लिए, सो बोथ आर द प्रोड्यूसर्स, तो अभी इट्स ऑन ऑल यू। क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? हमारे साथ एक्साइटेड तो यही है और इसने ही फोर्स किया है, अब अच्छा हो जाए बस, अच्छा चल जाए। अब तो और आने हैं गाने, हर महीने आएंगे अब गानेंगे। ओके, और मतलब कोलैबोरेशन होने वाला है मतलब? हाँ तो अब लेंगे, हमारे साथ आपको हल्का सा हिंट दे ही दिया शेफाली, जैसे कि आई आपने देखा भी सीधा बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही, तो शेफाली और मेरी तब बात हो चुकी थी जब शेफाली पहले निकले थे वाइल्ड कार्ड से पहले, तो तब हम लोग गाने के प्रोजेक्ट में थे, बट ड्यू टू द वाइल्ड कार्ड एंट्री शेफाली को वापस घर पर जाना पड़ा, तो शेफाली के साथ भी अभी प्रोजेक्ट आने वाला है, तो शोकिड के मुंह से आपने खुद सुनी लिया कि चार और गाने, तो प्लानिंग चलो बैक टू बैक रिलीज है, एवरी मंथ हर 21 को एक गाना। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ बता देता हूँ कि गुरु मेरा बहुत ही खास दोस्त और सब थोड़ी बात बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, और ये गाना जो इसने लिखा है जो परफॉर्म किया है ना, आप लोग भी देखोगे, आई थिंक इन लोगों ने देख लिया होगा, देखना अभी देखना है ना, अब मैं कह रहा हूँ आप लोग क्रेजी हो जाओगे, पागल हो जाओगे, सब माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, सुपर। अच्छा जैसे आपने सॉन्ग की बात की, आपने ऐसा नहीं कहा कि मुझे भी गाने में पिक्चर होना? मैं आपको बता देता हूँ, मैं लगता हूँ ना गाने में लॉन्च होने वाला लड़का, प्रॉब्लम पता क्या है, भाइयों को तो याद करता है लेकिन थोड़ा देर से याद करता है, आई एम टेलिंग यू कि गुरु अगला गाना बना रहा है बहुत सारे और उसके लिए अंदर डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। गुरु भाई 101% मैंने आपको, मैं नाम नहीं रिवील कर रहा, मैंने पहले ही आपको बोला कोलैब्स बहुत सारे हैं, एक तो मजबूरन मैंने कर दिया, पारस भाई भी हैं, 100% बहुत सारे कोलैब्स हैं सर, 100% जैसे मैंने बता दिया अभी हर महीने एक गाना है, वो तो बैक टू बैक आना है।
करना ही है भला तो शुरुआत। यार मैं आई एम इन दिस सम कॉन्टेक्ट विच इज आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द थिंग बट डेफिनेटली आई एम गोना टेल यू कि मैंने कुछ चीज़ें की हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू थैंक यू। आज के गाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और किस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हैं? आज के गाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज गुरु इज़ अ फ्रेंड एंड आई एम हियर टू विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरा भी सिंगल रिलीज हुआ था सो आई नो दैट एक्साइटमेंट, आई नो हाउ इट फील्स एंड ऑल आई वांट टू डू इज आई वांट टू विश हिम ऑल द लक एंड या। आपने जब इंडियन आइडल किया था और अब जो है पूरा म्यूजिक का ट्रेंड चेंज हो चुका है जिस तरह से सिंगल्स आ रहे हैं रिक्रिएशन हो रहे हैं तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे एज अ सिंगर आप इसे कैसे देखेंगे? बहुत ही अच्छी बात है और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सबको इतना एक्सपोजर मिल गया है अपने अपने टैलेंट को आगे लेके आने का एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग यू नो सिंगल्स लेकर आ रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं एंड आई हैव अ ह्यूज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सो या ऑलवेज हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। सर गाने का नाम जो है लॉन्ग डिस्टेंस है कितना बिलीव करती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? कितना बिलीव करती हूँ सी इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दो लोग कैसे कैरी करना चाहते हैं रिलेशनशिप को वो उस पर डिपेंड करता है। आई थिंक मैं भी लॉन्ग डिस्टेंस में रही हूँ बहुत पहले की बात है बट या इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू पर्सन यार। बहुत सारी मस्ती बहुत सारा धमाल आई थिंक बहुत सारा डांस आई थिंक गुरु और बताएंगे क्या होने वाला है। 100% जस्ट गाना एक्सक्लूसिवली सुनाऊंगा आई विल बी परफॉर्मिंग लाइव ऑन अ मेडली मतलब टुडे वी आर इन अ पार्टी मूड कंप्लीट पार्टी मूड फुल ऑन पार्टी। जितना शूट का फ्रस्ट्रेशन था वो आज उतरेगा। मेरे दो गाने एक मूवी में रिलीज होने वाले हैं उस मूवी का नाम है मोस्ट कॉमन गुड़बक एंड द शॉर्ट फॉर्म इज एमसी गुड़बक तो वो बहुत जल्दी आने वाला है। फिर एक और मूवी है दही सर चेकना का उसमें भी मेरे दो गाने हैं जो बहुत जल्दी इस साल सुनने को मिलेंगे आप। ओके मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू।